الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى, آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مريزيز بايور بهنوم अलहमदल्लामामिर شمائل रम् तब शनबी सल्ला وسلم का दर्स जो है एवरी मंडे इशा की नमाज के बाद हमारा सिलसिला जारी है अल्लाह की तौफीक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतलक पढ़ते हुए हम इस किताब के एट नंबर चैप्टर तक पहुँच चुके हैं आठवें बाप तक पहुँच चुके हैं और ये जो चैप्टर इमाम तिर मज़ी ने कायम किया है ये है बाबू माजा आबासी रसूल अलैहि वसल्लम। ये चैप्टर है इस चीज़ के बारे में कि अल्लाह के, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था आपके कपड़े कैसे थे आप किस तरह का लिबास पहनते थे रसूल वसम के क्लोथ जो थे वो किस तरह के होते थे और इस चैप्टर में इस बाब में सात हदीसें हैं अरबी ज़बान में लिबास कहा जाता है लिबास मायुलबस उसको जो इंसान अपने जिसम को कवर करने के लिए पहनता है और लिबास के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ के अंदर ये अरसाद फरमाया या बनी आदमई कु लिबास व लिबास तकवा जिलि का खैर जल के ए बनी आदम, आदम या बनी आदम कद अलैकुम लिबासा हमने आसमान से तुम्हारा लिबास नाजल किया अनज़लना अलैकुम लिबासा क्यों युवारी युआारी ताकि वो तुम्हारे जिस्म को कवर कर ले और स्पेशली तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको कवर कर ले वरीषा और तुम्हारे लिए तुम्हारा लिबास जो है ये ख़ूबसूरती की भी भीत है जब तुम लिबास पहनते हो कपड़े पहनते हो तो खूबसूरत कपड़े जो हैं ये इंसान की खूबसूरती में इजाफ़ा कर देते हैं तो लिबास की दो चीज़ें जो है कुरान ने बयान की हैं एक ये है कि लिबास जो है सोआती कम जो हमारे जिसम को छुपा ले हमारे जिसम के जो पार्ट्स हैं उनको छुपा ले वजीना वरीशा और हमें जो है वो ख़ूबसूरती उस लिबास से मिले शाह वली देल भी रहमत ला तरमाया करते थे कि अलिबासु अलिबास ज़ीनतन वाशन वो फरमाया करते थे कि लिबास जो है ये एक इंसान के लिए ख़ूबसूरती है जब इंसान ने लिबास पहना होता है तो वो ख़ूबसूरत नजर आता है और वो फरमाते हैं कि अगर इंसान जो है वो नंगा हो जिसम पे लिबास ना हो तो ये बदसूरती की इंतहा है यानी एक जानवर में और एक इंसान में हिवान में और इंसान में फ़र्क करने वाली क्या चीज़ है लिबास है ना लिबास है लिबास जो है ये ख़ूबसूरती है वाशन और नंगापन जो है यानी लिबास के बग़ैर ये इंसान के लिए एक ऐब है एक आर है एक इंतहाई बदसूरती है तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आओ वापस नेचर के ज़माने में चलें कि जब लोग बग़ैर लिबास के रहते थे हालांकि इस इंसानियत के ऊपर ऐसा कभी मौका नहीं आया इस इंसानियत का आगाज़ अल्लाह हज़रत आदम और उनकी बीवी हमारी माँ हज़रत हबा से किया या यूहन्नासकू रब्बुम्ल ख़ला काम मन नफसम वाहिदिन वा का मिन हा जूजा वब सा मिन हम रजा लन कसी रमवन सा आ फरमाया कि अल्लाह तब से पहले हजरत आदम को पैदा किया और फिर सबसे पहले आदम से उनकी बीवी हजरत हवा को पैदा किया और ये फ़र्स्ट कपल था फिर इससे अल्लाह तब सिनारजा लन कसी रमवन सा आ मर्दों औरतों का सिलसिला शुरू किया आज इस कायनत में जितने इंसान हैं उनकी बिगनिंग जो है उनकी इब्तदा कहाँ से होती है आदम आदमो हव्वा से और जो ये कहते हैं कि हमारी बिगनिंग जो है ये मउंकी से हुई है हैं जी डार्विन का जो थ्योरी है वो हो ही होगी उनकी जो इस तरह की सोच रखते हैं वाकई वो बंदर हैं उनमें कोई शक नहीं कि जो ये सोचते हैं क्योंकि अगर बंदर से एक इंसान जो है वो इस तरह की शक्ल सूरत बनती है उसकी तो फिर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए इंसान के ऊपर आके स्टाफ क्यों हो गया इससे आगे बढ़ना चाहिए बंदर जो है अगर इंसान बन सकता है तो इंसान से आगे कुछ और बनना चाहिए नहीं ये बात ग़लत है अल्लाह ताला ने और हमारे मुसलमान भी कई जो है इसी गलतफहमी का शिकार हैं हैं जी वो यही समझते हैं अभी एक दो दिन पहले मुझे एक आदमी से इतफ़ाक़ हुआ वो कह रहा था कि हमारी जो इब्तदा है ना हमारी जो तख्लीक जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है सिर्फ अकेले आदमो हव्वा से नहीं किया अल्लाह ती ने कुरान मजीद में फरमाया जमा का सीगा इस्तेमाल किया है अल्लाह फरमाते हैं कुल नह बितु मिन हा जमी हाँ कि तुम सारे के सारे इस जन्नत से निकल जाओ तो सारे के सारे जो होता है ये जमा होता है तो आदम तो अकेले थे या उनकी बीवी साथ का लेते तो वो दो थे फिर अल्लाह ने जमा का सी क्यों इस्तेमाल किया अब उस बेवकूफ़ को और जो अकल का से खाली है और अरबी ज़बान का उसको एक लफ्ज नहीं आता उसको क्या पता कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला कई ये अरबी ज़बान का एक तरीक़ा है सूर्य मुल्क में आप पढ़ें अल्लाह फ़रमाते हैं तबारक अल्लाजी बदह हिलमलकू वाहू शैन कदीर हुआ की ज़मीर एक के लिए शुयब वह शैन कदीर अल्लज़ि खाला कल मौता वो एक जिसने मौत को पैदा किया वल हयात और ज़िंदगी को लियाम अहसन आम अला वह अला आज़ी्गफ़ूर ठीक है आगे अल्ला क्या फरमाते हैं अल्लाजि खला कसब आसमत इतबा का मा तरफ़ी ख़ल कर रहमान मिनतफ़त फ़ारजी अलबसरा हलतरा फ़तूर सरजी अलबसरा कर्र तलिबिल बसर ख़ास मुबासिर ये सारे मुफरत के सीगे हैं लेकिन अब यहाँ से अल्लाह कहते हैं वाला क़द जन्न समत दुनिया ज्यन्ना ये जमा का है जन्न समात दुनिया हमने मुजैन किया आसमान को। कि अल्लाह के अलावा कोई और था ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला कि अल्लाह के अलावा कोई और था जिसने सितारे पैदा किए हों कि अल्लाह के अलावा कोई और था जिसने सूरज और चांद को पैदा किया हो कोई नहीं था लेकिन अल्लाह ने वो जो ला शरीक है जो अकेला है कुल अहद उसने अपने बारे में ये कहा कि वाला कद्यसम दुनिया बीमसाबीहा फिर आगे फरमाया वजा आना रुजूमश यानी व आतदना वजा अल्लाहा यह भी जमा का सीगा व आतदना लहुम आज़ाब सैर ये भी जमा का सीगा तो ये सारे सीगे इस्तेमाल करने के बाद अलायालम वह लतीफ़ालखबीर फिर आगे जाके ला पाक फिर मुफरत का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अरबी ज़बान का एक इस्लूब है कुरान मजीद जो है ये अरबी जबान में नाजल हुआ है और जिस तरह अरब लोग अरबी बोलते थे उनकी जबान में कुरान नाजल हुआ है तो ये जो जिनके यानी कुरान मजीद को डिक्शनरी से समझने की कोशिश करते हैं हमारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं कहते हैं जी हम ला इला 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 पढ़ने वाले हैं वो कुरान को डिक्शनरी से पढ़ने के लिए समझने की कोशिश करते हैं अरबी डिक्शनरी से हालांकि कुरान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ड्यूटी किसकी लगाई थी हजरत मोहम्मद रूस जल्लाई का जिक्र लितुबना लन्नास कि ये जिक्र हमने आपके ऊपर नाजिल किया कुरान नाजिल किया लितूबीना आप इनको बया बयान करें कुरान में क्या है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क़लम को पैदा किया सबसे पहले किसको पैदा किया पेन को कलम को उसको हुक्म दिया कुतुब लिखो कि आमद की सुबह तक जो कुछ होने वाला है मा हुआ काय लिखो जो कुछ होने वाला है और फिर कलम से को जो है पै, पैदा करने के बाद फिर अल्लाह आगे जो है ज़मीन व आसमान को हज़रत आदम को पैदा किया अपने हाथ के साथ सारे ये मामला जो हैं तो ये चीज़ें बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की हैं मैंने इसलिए आपको बयान किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम नेचर में जाना चाहते हैं और नेचर क्या थी कि जब इंसान के जिसम पे लिबास नहीं था इंसान जो था वो नंगा था तो उसको जो है वो नेचर के अंदर रहना चाहिए वो नंगा रहना चाहिए नहीं ये चीज़ जो है ये हमारे और इंसान और हिमान के अंदर फ़र्क करने वाली क्या है लिबास है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के मुतलक ये बयान है और लिबास जो होता है उसकी तीन चार पाँच किस्में हैं एक लिबास वो होता है जो ज़रूरी है लिबास वाजिब हम उसे कहते हैं यानी वो क्लोथ वो कपड़े जो वाजब हैं जो ज़रूरी हैं और वो कौन से हैं जो इंसान की औरा को इंसान की शर्मगाह को इंसान के सतर को जो है वो कवर करने वाले हैं और एक मर्द का जो सतर होता है ये कंधों से लेकर उसके घुटनों तक होता है ये टखनों के ऊपर घुटनों तक होता है एक मर्द का और ये लिबास वाजब है जिसके साथ इंसान का ये जिसम का ये हिस्से जो हैं ये कवर होते हैं और ये कवर होने चाहिए ठीक है ना इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के कंधे के ऊपर कपड़ा नहीं है और नंगे कंधे से वो नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ नहीं है ला यू सली अहदकुम वलैसा अला आति की ही शही कोई बंदा ऐसे नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे जो हैं ये शोल्डर जो हैं ये नंगे हैं नहीं शोल्डर के ऊपर जो है वो कपड़ा होना चाहिए और एक होता है लिबास हराम ये यानी वाजब लिबास है और इसके अपोज़िट क्या है लिबास हराम वो लिबास जिसका पैन ना नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्म के मद के लिए क्या चीज़ हराम है लिबास में रेशम हैं जी सिल्क रेशम एक मर्द अगर रेशम पहनता है तो उसके लिए हलाल है कि हराम हराम है अगरचे वो अपने जिसम की कवर करते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और हज़रत आदम का जब अल्लाह ताला ने किस्सा बयान किया ना कि जब उनको जन्नत से निकाला गया हैं जी अल जन्नत से कुल ना भी तो मिन जमीअन तो जब जन्नत से उनको निकाला गया तो अल्लाह ने क्या किया अल्लाह ने उनके जिसम का जो जन्नत का जो लिबास था वो उतार लिया जब दुनिया में आया वताफी का यक सिफान आलि माँ मारा किल जन्ना तो वो जन्नत के जो दरख्त थे उनके पत्ते जो है वो उसके साथ अपने आप को कवर कर रहे थे तो इंसान पसंद ही नहीं करता कि वो नंगा हो ये इंसान की फितरत ही जो है वो पसंद नहीं करती तो ये इंसान को अल्लाह ने उसकी, उसकी नेचर में रख दिया है कि वह अपने आप को कवर करके रखे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी शरीय में एक लिबास जो है वो वाजिब है और एक लिबास जो है वो हराम है जैसे मर्द के लिए सिल्क मर्द के लिए इजाज़त नहीं है औरत को इजाज़त है और एक लिबास जो है वो मुस्तहब है यानी अच्छा है कि उसको पहना जाए और वो लिबास क्या होता है वो लिबास होता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की तरह का लिबास हो बस पस आपका पसंदीदा हो साफ सुथरा हो हैं जी और ख़ास तौर पर जिन लोगों को अल्लाह इज़्ज़त ने जो है वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तौफीक बख्शी है अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ा है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा लिबास पहने खूबसूरत लिबास पहने साफ़ सुथरा लिबास पहने और बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं मिसाल के तौर पर जुमे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहाना साफ़ सुथरा लिबास पाना ईदान के मौके के ऊपर तो नमाज के मौके मौके के ऊपर अल्लाह पाक फरमाते हैं या बनी आदम खुजू जीना तक इंदा कुल्ली मस्जिद कि जब भी तुम सजदा करने लगो नमाज़ पढ़ने लगो तो ख़ूबसूरत लिबास पहना करो इसका मतलब नहीं कि इंसान जो है वो हर नमाज में नया लिबास पहने नहीं मतलब यह है कि जब इंसान नमाज पढ़े तो उसका लिबास साफ़ सुथरा हो पाक हो साफ सुथरा हो तो एक लिबास जो है वो लिबास मुस्तहब है जो साफ सुथरा होता है और एक लिबास वो होता है जिसको पसंद नहीं किया गया मकरू जिसको पसंद नहीं किया गया मिसाल के तौर पर एक बंदे को अल्लाह ताला ने नवाज़ा है अल्लाह ताला ने उसके वसाइल दिए हैं उसके पास सोर्सेज़ हैं और इसके बावजूद उसका लिबास इंतहाई गंदा होता है नहीं अल्लाह फरमाते, है, ने है, फरमाते हैं व अमां बिनेत रबी का फदस जो अल्लाह ने तुझे नेमत से नवाज़ा है उसको बयान करो और अल्लाह नबी अकरम सल्ला वम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने अगर किसी बंदे को नेमत से नवाज़ा है तो अल्लाह पसंद करते हैं कि उस नेमत का असर उसके जिसम पे देखे अल्लाह युहिब्बु इलाब्बरा असरा नमती ही अपनी नेमत का अपनी ब्लेसिंग का असर जो है उसके जिस्म पे देखें तो एक बंदा जो है वो वसायल होने के बावजूद सोर्स होने के बावजूद अगर अपना लिबास अच्छा नहीं रखता तो ये चीज़ पसंद नहीं की गई हमारी शरीयत के अंदर और एक लिबास होता है लिबास मुबाह इबाहत से इबाहत का मतलब ये होता है कि ना तो वो ज़रूरी है और ना ही उससे मना किया गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसाद फरमाया बसु माश तुम जो भी लिबास पहनना चाहो पहन लोसु माशी तुम जो भी चाहो लिबास पहन लो लेकिन याद रखो मालम यकुन मखीलत वाला सराफुन कि उस लिबास के अंदर तकबर नहीं होना चाहिए एक बंदा लिबास पहने और लिबास पहन के वो तकबर करे गुरूर करे फख्र करे दूसरों को अपने से छोटा समझे हैं जी लो क्लास समझे और अपने आप को हायर क्लास समझे ये तकबर करे या फिर वो ये है कि लिबास में इतना ज़्यादा इशराफ कर दे और इसमें मैं बाज़ात बच्चों से ये कहता हूँ जैसे आज कल एक ट्रेंड चला हुआ है हैं जी ब्रांड्स का बच्चों में ब्रांड्स का एक ट्रेंड ट्रेंड चला हुआ है वो ब्रांड्स के नाम के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं हंड्रेड एंड हंड्रेड पाउंड खर्च देते हैं एक कैप जो है वो मुमकिन मुमकिन है हो सकता है कि चार सौ पाँच सौ पाउंड की हो हैं जी ये भी चीज़ दुरुस्त नहीं है ये इसराफ़ है ये इसराफ है वक़ुलू वशरबू वला त्रीफ खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो तो ये भी इसराफ़ है एक आप शर्ट पहने हुए हैं और शर्ट जो है वो अगर अल्लाह ने आपको इतना ही दिया है तो आप ये देखें कि मैं अपना जिसम अगर कब्र करता हूँ तो कितने लोग ऐसे हैं मेरे मुसलमान भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है बेचारों के हैं जी उसको अपने गज़ा में भाई नज़र नहीं आते बहने नजर नहीं आती बच्चे नज़र नहीं आते कि वो बच्चे जो बेचारे इस सर्दी के मौसम के अंदर अपने आप को कवर नहीं कर सकते कुछ भी नहीं है तो वो जो पैसा है वो उनको दे दे अपने अजीज़ों अकारब में जो गरीब हैं उनका उनको लिबास पहना दे ठीक है ना तो ये इसराफ़ जो है ये नहीं होना चाहिए वैसे अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने लिबास को हलाल किया है जो भी आप चाहें जिस तरह का आप चाहें लिबास पहन सकते हैं उन चीज़ों को ख्याल रखे जिनसे मना किया गया है तो लिबास के अंदर जो असल चीज़ होती है ना हमारी शरीयत के अंदर दो असूल हैं शरीयत के कितने असूल हैं दो असूल हैं जो इबादात के मामले हैं ना उनमें हर चीज़ हराम है इबादत में हर चीज़ हराम है सवाए उसके जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया है ठीक है इशा की नमाज आपने पढ़ी है ना तो इस इशा की नमाज के अंदर पाँच रक्तें पढ़नी हराम हैं क्यों हराम है इसलिए कि अल्लाह के, अल्ला के नबी ने कितनी रखते पढ़ी हैं चार।, चार और ये जो पांच हैं ये इबादत में हराम है हम नहीं कर सकते कोई भी इबादत की गरज से काम किया जाए जिससे बंदा यह कहे कि इसका मुझे अजर मिलेगा सवाब मिलेगा अगर उसकी इजाजत अल्लाह के नबी ने नहीं दी तो वो काम नहीं करना वो जायज़ नहीं है ये असूल है इबादात में और बाकी जो दुनिया के मामला हैं उनमें असूल ये है कि हर वो चीज़ जायज़ है इल्ला ये कि किसी चीज़ को शरीयत ने हराम करार दिया समझा गई ना बात की आपोज़िट यानी हर हाँ लिबास के अंदर हर चीज़ जायज़ है सवाए उसके जिससे अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना किया मिसाल के तौर पे मर्द को मना कर दिया सिलक से ठीक है ना तो लिबास जो है उसमें हमें कहा गया कि आपका लिबास जो है ये शोल्डर से लेकर जो आपका सतर है उसको कवर करने वाला हो तो हमने हमने लिबास वो पहना है जो इसका कवर करने वाला है ठीक है तो लिबास के अंदर जो है वो इबाहियत है सवाए उसके जिससे अल्लाह के नबी सल्ला व्लम ने मना किया है लेकिन दो चीज़ें हमने सामने रखनी हैं कि उसमें इसराफ ना हो और तकबर ना हो गुरूर ना हो फखर ना हो अब सुन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में लिबास के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मना किया गया मसाल की तौर पे, के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मना किया है कि मर्द को किस चीज़ से कि उसका ये जो इजार है उसकी पेंट या उसकी शलवार या जिसके साथ उसने अपने लोअर हिस्से को जिसम के नीचे वाले हिस्से को कवर किया हुआ है वो उसके एंकल से नीचे ना हो हैं जी उससे नीचे ना हो यानी उसके जो टखने हैं उनसे नीचे ना हो अल्लाह के नबी सरश बल्कि बादज ने फर, बाद तो इसे कब, कबीरा गुनाहों में शामिल किया है जिस तरह कबीरा गुनाह है ना कत्ल है जना है चोरी है हैं जी जीबत है इस तरह के कबीरा गुनाह में इसको शामिल किया है एक, एक बंदा फ़ख्र के साथ अपने लिबास को टखनों से लटका के रखे फ़ख्र करने के लिए अरबों के हाँ ये बहुत ज़्यादा था कि वो फ़ख्र के फ़्र के साथ जो अपने लिबास को लटका के रखते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नबील वसम सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन तीन लोग होंगे सलासत कल महम्ल क़ियामा तीन लोग होंगे कल अल्लाह ने उनसे बात भी नहीं करनी अल्लाह ने उनसे टाक भी नहीं करनी और जिससे अल्लाह टाक नहीं करेगा तो अल्लाह अपनी नफ़रत की वजह से और जिससे अल्लाह की नफ़रत होगी उसका बेड़ा पार हो सकता है बख्शिश हो सकती है सवाल ही नहीं पैदा होता तो अल्लाह ताला उसे ना पसंद करते हुए उनसे बात ही नहीं करेगा और उनमें से वला वायजुर और ना रहमत की नज़र से उनकी तरफ़ देखेगा वला इम और ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उनमें से एक वो है अलमुशबिल जो अपने लिबास को टखनों से तकबर के लिए गुरू के लिए फ़खर के लिए लटका के रखता है और इसी तरह फरमाया वल मुन वल मन्नानु मन्नान का मतलब ये होता है कि, कि किसी के ऊपर एहसान करना और फिर उसको एहसान को जतलाने रह, जतलाते रहना हैं जी मा सल्लाजी यूनफी कम वहफ़ी सबी सुबी अगर किसी के साथ बंदे ने कभी हेल्प कर दी तो ये कहते रहो मैंने फलाह मौके पे तेरे साथ हेल्प की थी मैंने तुझे ये दिया था तू मेरे टुकड़ों पे पलता रहा है मैंने तेरे साथ ये नेकी की मैंने त... ये बंदा जो है ना अलमन्नान है जी किसी के ऊपर नेमत करके किसी के ऊपर एहसान करके उसको जतलाता रहे इसको भी अल्लाह ने नज़र रहमत की नज़र से नहीं देखना और तीसरा बंदा वो है जो कस्में खा के अपनी चीज़ें बेचता है हैं जी ये जो बिज़नेस करते हैं ख़रीदो फरोख्त करते हैं हर बात पे कसम 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 उसको भी अल्लाह ताला जो है वो रहमत की नज़र से नहीं देखेगा और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लिबास के अंदर अगर मर्द के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलक को रेशम को हराम करार दिया है और इसी तरीके से वो चीज़ जिसके साथ इंसान की लिबास के अंदर जिसके साथ इंसान की तशबीह जो है वो किसी ऐसी कौम के साथ हो जाए जो मुसलमान नहीं है ठीक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बिन फ़हअ मिन हूँ अगर कोई किसी कौम की मुशाबल यानी कुछ लिबास ऐसे होते हैं कि किसी कौम के शयार होते हैं उनका वो एक निशान सब्बल बन जाते हैं ठीक है उनका वो ट्रेड मार्क बन जाते हैं आपने कभी देखा है हिंदुओं के साधुओं को जो उन्होंने लिबास पहने होते है, हैं जी उनका हो जाता है या इस तरह के दूसरे जो लोग हैं जो नान मुस्लिम हैं जो लिबास वो पहनते हैं एक लिबास होता है आम यानी जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे एक शर्ट पहनते हैं आप पैंट पहनते हैं कोट पहनते हैं इसकी कोई बात नहीं ये यह तो यहाँ का लिबास है ये यह यहाँ की ज़रूरत है ठीक है मौसम के हिसाब से यहाँ पे जो लिबास है वो कवर लिबास पहना जाता है जिसके साथ इंसान अपने आप को जो है वो उससे बचा सके इसमें ये हलाल है ये इसमें ये लिबास जो है ये हराम नहीं लेकिन कुछ लिबास आते हैं ऐसे हैं जो किसी का जो है बन जाते निशान बन जाते हैं उस तरह का लिबास जो है उससे अपने आप को बचाना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कोमिन फ़हअ मिन हम आगे जो हदीस है फिफ्टी फ़ोर नंबर इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं क़ाल हदसना मोहम्मद उबन हुमैदी क़ाल हदसन अल्फुलबन मूसा व अबू तुम्ह वुबा बिन अन बिन खालिदिन बुरद अन उम सना अहब्ब सियाबी इला रसूल सल्लाकमीस हज़रत इमाम तिरमजी हज़रत महमदन हुमैदर राजी से बयान करते हैं वो कहते हैं हमें हदीस बयान की फ़जल इबन मूसा ने और अबू तुमैला ने और जैद इबन हबाब ने यानी तीन बंदे बयान करने वाले हैं फजल इबन मूसा अबू तुमैला और जैद इब्न उबाब और ये तीनों बयान करते हैं अब्दुलमन बिन खालिद से और अब्दुल अब्दुलमोमिन बिन खालिद बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन बुराइदा से और ये ताबी हैं ये बयान करते हैं उम्मा रदी अल्लाह तह से कालत वो फरमाती हैं कि काना अहब सियाबी इला रसूल सल अल्लाह वसलम अलकमीस कमीस जो है ये अल्लाह के नबी सल वसम को कपड़ों में से सबसे ज़्यादा महबूब लिबास था कमीज़ वो होती है कि जो इंसान अपने सर से यानी गर्दन के ज़रिए पहनता है और अपने बाजू उसके अंदर दाखिल करता है जिससे उसके हाथ बाहर निकल आएँ हैं जी आस्तीने जो होती हैं ये ये आस्तीने और ऊपर से उसने पहन लिया और इसने उसके पूरे जिसम को कवर कर लिया ये कमीज़ है हैं जी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिबास था ये जिस यानी वो कमीज चाहे काटन की हो चाहे वूल की हो यानी किसी भी चीज़ की बनी हो लेकिन सिलक की ना हो सिलक की ना हो तो वो कमीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी अच्छा इसमें इंसान इजी रहता है इसमें इंसान इजी रहता है इसका उतारना पहनना जो है ये बहुत आसान है और आगे जो है हदीस 55 फ़ाइव नंबर क़ाल हदसन आलीजर हज़रत इमामती मजी फरमाते हैं हमें हदीस बयान की आली हजर ने और कहते हैं हमें हदीस बयान की फ़जल बबिन मूसा ने और फ़जल बिबिन मूसा जो है वह आन, आना आब्दिल्मिनबिन ख़ालदिन अब्दुल अब्दुलमन बिन खालत से बयान करते हैं और वो अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा से वही सनद है लेकिन इस सनद में वो तीन आदमी जो हैं वो निकल गए अबू तुम अबू तुमैला और ज़ैद इब्ने हबाब तो वो फरमाते हम सलमा रज़ी अल्लाह तन ने अरशाद फ़रमाया काना अहब सियाब इला रसूल सल्हु वसलम अलकमीस के नबी अक्रम सल्ह वसलम को जो है वह सबसे पसंदीदा लिबास किया था कमीज़ कमीज़ जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में कमीज़ लंबी कमीज़ और ये लिबास जो होता है ये इंसान के जिसम को कवर करने वाला होता है लबीज और इंसान के जिसम के साथ लगी हुई होती है और ये इंसान के जिसम के साथ लगी अंदर वाले हिस्से में कमीज़ होती है ठीक है तो इसको शरार भी कहते हैं इसको शार यानी ऐसा लिबास जो इंसान के जिसम के साथ टच कर रहा हो लगा हुआ हो और इंसान के जिसम को उसने कवर किया हो और इसी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जो मदीने के लोग थे अंसार मदीने के रहने वाले उनको क्या कहते हैं अंसार अंसारी उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसार जो हैं ये हैं हैंसार जो हैं ये शार हैं ये मेरे साथ हैं वही रुहम और इनके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो दिसार हैं और दिसार का मतलब होता है वो कपड़ा जो शेार के ऊपर पहना जाए समझाइए बात की तो मदीने वाले जो हैं अंसारी ये मेरे शयार हैं ये बिल्कुल मेरे साथ हैं और इनके अलावा दीगर साहबा जो हैं वो दिसार हैं वो इनके बाद आते हैं तो ये जो जिसम के साथ कपड़ा टच कर रहा हो उसको कहते हैं शयार और वो कमीज़ होती है और जो उसके ऊपर पहना जाए जुब्बे की शक्ल में हुल्ले की शक्ल में जुब्बे की शक्ल में ठीक है ना या कोट की शक्ल में या जिस तरह ये हमने जैकेट पहनी हुई है स्वेटर पहना हुआ है या इस तरह की जो चीज़ें तो ये उसके ऊपर दिसार होती हैं तो ये शियार होता है कमीज़ जो है क्योंकि इंसान के जिसम को ये कवर कर रही होती है और आगे हदीस फ़िफ्टी सिक्स नंबर इमाम तिरमजी तर्म, फरमाते हैं हदसना दसना ज़्यादा अब्न ऐयूब अलबदादी यू हमें हदीस बयान की जयाद बिन ऐूब अलबदादी ने और वो बयान करते हैं हद दसना अबू नु हमें हदीस बयान की अबू तुम्ला ने और वो वह अब्दुलमन बिन खालद से बयान करते हैं और वो अब्दुल्ला बिन बुरीदा से और अब दिल्ल बिन बुरैदा अन उम्मे ही अपनी वालिदा से और उनकी वालदा जो हैं वो उम्मे हज़रतम्सम रजी अल्लाह अन्हा से बयान करती हैं क़ालत कान अहबियाबी इला रसूल सल्लासम यबसमीस हज़रतम सलमा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के नबीसम जितने कपड़े पहनते थे जितना लिबास पहनते थे उन सब लिबासों में से सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब लिबास के नबी को क्या था अलकमीस तो महदसिन का यह तरीका है कि मख्तल संदों के साथ मुख्तलु चैन के साथ जो एक ही हदीस को वो बयान करते हैं तो हज़रत इमाम तिरमजी रहमत तैय ने एक ही हदीस को संदों के साथ यहाँ पर बयान किया है आगे अबू अबी यानी अबू कुनीत किस की है इमाम तिरमजी की इमाम तिरमजी कहते हैं हाकदा कल जयाद अबिनूब फ़ी हदीस ही इसी तरह जयादबिन ऐूब ने अपनी हदीस में बयान किया है अब्दुल्ला बिन बुरैदा से और वो अपनी वालदा से और वो उमुलमोमिन सलमा से वहाकद रवागई रिन और इसी तरह एक अलावा कई महदसिन ने बयान किया है अन अबी तुम्ला अबी तुम्हला से यानी कई महदसिन ने बयान किया है जिस तरह ज़्यादिन ज्यादिबिन ऐूब की रिवायत है और अबू तुम्हैला जो है आ, उनकी रिवायत है कि वो अपनी वालदा से बयान करते हैं और ये जो सनद है इस असह सही तरीन जो है ये सनद है आगे जो हदीस है अब्दुल्लिबन इमाम तिरफ़ रमाते हैं हदसना अब्दुल्लि इबन महमद इब्न हजाज हमें हदीस बयान की अब्दुल्लाह बिन बन मोहमद इब्न ने क़ाल हदसन मुआज हिशाम वो कहते हैं हमें हदीस बयान की मुआजबन हिशाम ने काला हदसनी अबी ने हिशाम कहते हैं कि मेरे वालद हिशाम ने मुझे हदीस बयान की और वो बयान करते हैं बुदैल से यानी बुदैल कौन थे इबन मसराली ये उनका नाम था और वो बयान करते हैं शाहरबन होशब से और शाहरबन होशब जो हैं वो हजरत असमा बिन यजीद से बयान करते हैं क़ालत व अरसाद फरमाती हैं कान कम कमीस रसूल सल सल्ल वसम इसगी कुम कहते हैं इस आस्तीन को ये जो ये आस्तीन जो होती है ना एंड जो हाथ के साथ लगी होती है इसको कुम कहते हैं और वो फरमाती हैं कि कानत कुम कमीज़ रसुल्लासम रसूल्ला वसलम की कमीज़ की जो आस्तीन थी कुम इला रस् कहते हैं इस कलाई को ये जो हड्डी होती है जोड़ है यहाँ तक होती थी यानी वो आपकी जो कुम थी इतनी लंबी नहीं कि हाथ उसमें छुप जाएँ ना इतनी ऊपर होती थी यहाँ तक होती थी तो वो उस कमीज़ की कफ़ीत को बयान कर रही हैं और ये असमा बिन तयीद रदी अल्लाह तह इमाम बुखारी ने अदबालमुफरत के अंदर इनसे एक हदीस बयान की है ये वो सहाबियाँ हैं कि अल्लाह ने इनको बड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं बड़ी न डर और बड़ी बहादुर थी और इनके बारे में आता है कि इन्होंने एक ख़ैमे के अंदर थी और जहाँ ख़वात जब सहाबा कराम जहाद के लिए जाते थे तो ख़ातनी भी साथ जाती थी अगर कोई साहबी ज़ख़्मी हो जाता तो उसकी दवा वगैरह के लिए उसकी जो है वो बीमार पुरसी करने के लिए उसका जो है वो पट्टी वगैरह लगाने के लिए तो ये भी एक दफ़ा जंग में गई थी तो उस खेमे के ऊपर रूमियों ने जब रूमियों से लड़ाई हो रही थी जंग तबूक में उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया तो ये अकेली ख़तून थी जिसके साथ वो खैमा टेंट जो है वो खड़ा किया जाता है ना वो जो लकड़ी होती है उस लकड़ी के साथ नौ दस रूमी इन्होंने मारे तो हसमा बिन तज़ी ऐसी बहादुर ख़तून थी तो वो ये बयान कर रही हैं अल्लाह के नबी सलील वसलम की कमीस और यानी आपको मैंने बताया है कि क़ुम की जमा अकमाम है और कुम कहते हैं जिससे हाथ बाहर निकलता है ये जिस तरह ये आस्तीन है हमारी ठीक है आगे जो हदीस है फ़िफ्टी एट नंबर का अलहदसन अबू हुसैन अबन हरीईस इमाम तरमी फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू हुसैन अबन हुरईस ने वो बयान करते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू नाइम ने और वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की ज़ुहैर ने और वो बयान करते हैं हजरत बिन आब्दिल्ला बिन कुशा से और वह बयान करते हैं मुआविया बिन क़ुर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रा से और मुआविया बिन क़ुर्र्रा अपने वालद यानी कुर्र्रा से बयान करते हैं अभी ही قال اتيت رسول الله अल्लाह कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास आया मैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम) के पास आया في राह एक ग्रुप के साथ राह अरबी ज़बान में तीन से लेकर दस तक का जो मजमु होता है जो लोगों का ग्रुप होता है ना वो चार भी वो तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं दस भी हो सकते हैं ठीक है वकान फिल मदीना थी वक़ा नफिलमदीना तिसत राहतीदू नफिलरफ मदीने के अंदर नौ आ, उस शहर के अंदर है ना नौ बंदों का ग्रोह था जो फसाद पैदा करता कुरान में सूर्य नमल में अल्लाह फरमाया तो वो कहते हैं कि मैं उस ग्रोह के साथ आया अपने कबीले का ग्रो था और ये कबीला इनका था जो था ना मिन मजीना बनु मद का एक जो कह लें कि एक आ, शाखी कबीला था शाह का मतलब ब्रांच ठीक है जैसे होते हैं ना एक मेजर कबीला होता है उसकी आगे ब्रांचेज होती हैं तो ये बनु मुजर का ए, की ब्रांच थी मुजैना उस कबीले के लोगों के साथ आए कहते हैं कि हमारी तादाद जो है वो तकरीबन तीन से लेकर दस तक के करीब थी किस लिए आए ताकि हम अल्लाह के नबीस की बैत करें बैत का मतलब क्या होता है लकद रजी अल्लाह अनिल्म में इज़ युबा तहत जारा अल्ला राजी हो गया उनमूमनों पर जो बैत कर रहे थे तेरी दरख्त के नीचे बैत होती है हाथ में हाथ रख के किसी चीज़ का परामस करना ठीक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का परामस लेते थे इस्लाम का या नबी इज़ा जा मिना तो युबा का आला युशरिकना नबी शैया वला यशरिकना यक्तुलना औलादहुन्ना वला याती नबी बहुतानी याफ्तरी ना हन्ना बेनाद हिन्ना तो जब औरतें आएँ तो उनसे आप बैत लें अल्लाह के नबी औरतों से बैत कैसे लेते थे हाथ पे हाथ रख के नहीं नहीं अल्ला यादविल्ला एक औरत ने हाथ बढ़ाया नबी अक्रमल्म ने फरमाया मुझे इजाज़त नहीं है उठा लो ये आज कल के ये दो नंबर लोग हैं, हैं जी जो औरतों को दम करने के बहाने जो है उनको टच कर रहे होते नबी अक्रम सल्हस सबसे ज़्यादा हयादार थे नबी अक्रमल्लम जब किसी औरत की बैत लेते तो पर्दे के पीछे औरत बैठी होती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पानी वाले बर्तन के अंदर हाँ जी हाथ डालती और दूसरी तरफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता और इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते थे तो ये बैत जो ले ये जो फरमा रहे हैं हज़रत हज़रत हद, क़ुर्रा बिन यास वो जो फरमा रहे हैं कि मैं बैत लेने के लिए हम आए तो उन्होंने बैत किस बात पे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आय्सम ईमान अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना अल्लाह की हदूद की पाबंदी करनी है अल्लाह की हदूद को पमाल नहीं करना इन चीज़ों के ऊपर बैत करने के लिए आए तो वो कहते हैं वह इन्ना कमीसम खुन जब हम आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये कमीस जो थी ना इसका जो ज़हर वाला हिस्सा हमारे ये बटन है ना ये बटन है ना ये खुला हुआ था ओपन था इन लमुतलक आपकी कमीज़ जो थी वो मुतलक खुली हुई थी वो फरमाते हैं अवकाल झ्र कमी से ही या ये कहा कि कमीस जो है वो ओपन थी या ये कहा कि झर्र कमी से ही मुतलाकुन कि उसके ये बटन जो थे ना ये जिसके साथ बंद करते हैं ये बटन खुले हुए थे हो सकता है गर्मी का मौसम हो, हो सकता है किसी वजह से अल्लाह के नबीम ने अपने वो बटन खोले हुए हों हु, कमीज़ खुली हुई हो तो वह फरमाते हैं कि जब मैं आया तो अल्लाह के नबी वमीज़ ऐसी थी कालाफा अद खल तो यदि इलाजैबी कमी से ही तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन को देखा आपकी खूबसूरती को देखा तो मुझसे रहा ना गया मैंने जल्दी से आपके ये जो खुला हुआ हिस्सा था इसके अंदर हाथ डाल के आपकी खत्म नबूवत को टच कर लिया आपकी जो नबूवत की मोर थी ना आप पीछे पड़ के आए हैं हैं जी लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है इसके पीछे तो मैंने उसको कहते हैं कि फा खल तो यदि फी जय कमी से ही फा खातम। तो मैंने उस नबूवत की मोहर को टच कर लिया अल्लाह अकबर तो ये जो क़ुर्रा बिन अयास इनका नाम था इनके बेटे मुआविया ने इनसे जो है वो रिवायत नकल की है ठीक है तो मुल्ला अली कारी जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हो सकता है कि जब वो आए हों वो गर्मी का मौसम हो तो गर्मी की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये जो गिरेबान है इसको इसको गिरेबान कहते हैं इसको खुला रखा हुआ हो बहरहाल इस हदीस से ये बात साबित होती है के सबा इक्राम रजवानल् मजमाइन बात नबी अक्रम सल्ह वसलम को देख के अपने ऊपर काबू नहीं रखते थे हैं जी जब देखा तो बेसाख्ता दिल चाह कि मैं अल्लाह के नबी सल वसम की नबूवत की मोहर को टच करूँ और वह नबी भी रहमत लालमीन थे वो भी साहबा का ौक़ और शौक़ देख के मना नहीं करते थे हैं जी वो भी मना नहीं करते थे तो बहर हाल इस सिलसिले में बात यह है कि इंसान के ये जो गिरबान जो है ये बांदी रहना चाहिए हैं जी असल ये है असूल ये है हाँ अगर किसी वजह से गर्मी की वजह से या किसी वजह से इंसान ने खुला रखा है तो इसको रख सकता है क्योंकि हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि अल्लाह के नबी वसल्लम की सुनत मतवा ये हो अगरचे ये जो थे ना क़ुर्रा बिन यास जिन्होंने ये हदीस बयान की है और इनके बेटे जो हैं इनके बारे में आता है कि मुला कारी में मलाली कारी जब जमसाइल में कहते हैं कि इनके जो स्टूडेंट थे ना उर्वा वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मुआविया को जब भी देखा या उनके वालद को जब भी देखा तो उनके गिरेबान के ये बटन खुले हुए होते थे बहरमा का इस बारे में ये कहना है कि ये हो सकता है कि किसी वजह से हो बाकी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का अक्सर ये था, था कि आपका यह गिरबान जो है वो बंद होता था तो ये आज हमने अल्लाह के नबी व के लिबास के मतलब ये हादीस पढ़ी हैं तो सुबहानल्लाबहान अल्लाह खुशकस्मत हैं आप कि अल्लाह के नबी व के लिबास जो है उसके बारे में हमें पता चल रहा है तो अल्लाह ताला हमें नबी जैसा लिबास भी दे और नबी जैसा जो है वो करदार भी दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार भी दे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा अख्लाक भी दे और अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में नबी की सुन्नत के ऊपर ज़िंदा रखे और मौत आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिले जजाकुमल ख़ैरन व बारकल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيز بايو أوربهنو الحمد لله शमाइलनबी सल्ला वसलम इमाम रहमतुल्लाह तिरमजी जो बड़ी मशहूर किताब है उसके दरस का सिलसिला जो है अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की राहमत से और आप हजरात के शौक से चल रहा है आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम के लिबास के मतलब रसूल्ला वसम की क्लोथिंग जो है आपके जो कपड़े जो आप पहना करते थे जेब तन फरमाया करते थे उनके मुतलक हमने शुरू किया था बाप आज उस सिलसिले में जो हदीस है इस किताब की फ़िफ्टी नाइन नंबर हदीस इमाम तिरमजी फरमाते हैं क़ालादन आब दुबन होमई दिन क़ाला हदसना हहमदु उबनल्फ़ौदली क़ाल हद सना हम दुबन अन हबीब बबिन शहीद अनिलहसिन अन अन सबिन मालकिनबी स ख़ाराजा वहूआ मुत्त आला उ मतबन जिन आ सऊबन कहबी फिम इमाम तिरमरी फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की आब दिबन हमद ने वो कहते हैं हमें हदीस बयान की महमदु अबन अफ़दल ने और महमदुबिनफ़ल कहते हैं कि हमें हदीस बयान की हमदबिन सलमा ने और वो बयान करते हैं हबीब बिन शहीद से और वो हसन से और वो हजरत अन सबिन मालिक रज़ील् तन से और हज़रत अन सबिन मालिक फ़रमाते हैं कि किन्न नबी नबी अक्रम सफ़ा तशरीफ़ लाए घर से निकले मस्जिद में तशरीफ़ लाए वह हुआ मुता उन आला उसामा मत बनी दिन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई हुई थी मुता कि उन इता का वो अरबी ज़बान में कहते हैं किसी चीज़ का सहारा लेना किसी चीज़ के ऊपर टेक लगाना जैसे बंदा ये डंडे वगैरह को या लाठी को जो है उससे सहारा ले, ले लेता है या किसी जगह के ऊपर हाथ रख के तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जो है वो हज़रत उसामा बिन जैद के इस शोल्डर पर रखा हुआ था और उनके साथ टेक लगाई हुई थी और हज़रत ज़ैद हज़रत उसामा बिन जैद के साथ टेक लगा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और किस हालत में आए मस्जिद में आलई ही कितरी क़रीयून आप के ऊपर एक कपड़ा था कितरी। और कितरी से मुराद क्या है कितरी कहते हैं ऐसे कपड़े को जो यमन में बना हुआ हो और उसके अंदर लाइनें हों खतूत लाइनें हों लकीरें हों धारियाँ हों तो यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की बनी हुई चादर धारी दार जिसमें लाइनें थीं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने कंधों पे पहनी हुई थी और हज़रत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तन हो के कंधे पे हाथ रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए क तव् भी तव का मतलब होता है व्या यह तवस्वशा य तवशा अरबी ज़बान में कहते हैं किसी चीज़ को कंधों के ऊपर से लपेट ले लेना जैसे हराम की चादर पहनी जाती है ना ऐसे जिस तरह हम सर्दी के मौसम में चादर ऊपर ले, ले लेते हैं या कंबल वगैरह तो अपने कंधों के ऊपर डाल लेते हैं इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लपेटा हुआ था अपने कंधों के ऊपर वो यमनी चादर को जिसमें लाइनें थीं फसल ला बिहम और फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज़ पढ़ाई इसी कैफियत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई और यही हदीस की आगे इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं कला आब्दुबिनद यानी जिन जो हजरत इमाम तिर्मिजी के उस्ताद थे आबदबिन हुमैद वो कहते हैं कि कला महमदु अबनलफ़ल महम्मद अबनलफ़ल ने बयान किया है वो कहते हैं सालानी यह अबिनुन बिन मुईन एक बहुत बड़े मुहद्दस हैं ये इमाम तिरमजी के भी उस्ताज हैं तो वो कहते हैं मोहम्मद अल फजल कहते हैं कि ने मुझे सवाल किया यानी मोहम्मद इब्न फजल से पूछा किसने पूछा यहया बिन मीन ने यहया बिन मीन ने किस चीज़ के बारे में अनहाज़ हदीस ही इस हदीस के मुतलक ये जो हदीस मैंने अभी आपको बयान किया है ना इस हदीस के मुतलक अवला मा जला सलैया जब सबसे पहली मरतबा वो मेरी मजलस में तशरीफ़ लाए तो मुहदसिन की मजलसें हुआ करती थी हदीस की जिसमें हदीस पढ़ाई जाती सुनी जाती सुनाई जाती और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खुशकिस्मत हैं कि आज आपके सामने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जा रही Allah. इसी तरह की मजलस थी तो यहया बिन मुईन जो हैं वो हम मोहम्मद इब्न अल फजल के पास आए और उन्होंने कहा कि ये जो हदीस है इसकी सनद आपके पास है आप अपनी सनद के साथ इसको बयान करें मैं ये हदीस सुनने के लिए आपके पास आया हूँ और उनका शौक़ था कि वो एक एक हदीस के लिए महीना भर उनको अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ती तो ट्रैवलिंग करते उनको पता चल जाता कि फ़लास किसी के पास एक हदीस है और उसकी जो सनद जो चेन है वो बड़ी शाट है अल्लाह के नबी सल वसम दरमियान में हो सकता है चार रावी हों दरम्या में हो सकता है पाँच रावी हों तो उनका शौक़ होता था वो हदीस सुनने के लिए ट्रैवलिंग करते थे तो यह बिन अब इन मीन मोहम्मद अबज़ल के पास आए और इस हदीस के मतलब पूछा जो अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ की है इनके बारे में पूछा वो कहते हैं कि जब वो पहली दफ़ा मेरी मजलस में तशरीफ़ अव्वला मा जलस इले फ़कुल तू तो कहते हैं जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने अब पढ़ना शुरू कर दिया मैंने कहा कि हदसना हमदुबिन वसलमा कि हमें हदीस बयान की हमादबिन ने कहते हैं जब मैंने वो चैन बयान करनी शुरू की कि मुझे हमदिन सलमा ने हदीस बयान की है तो वो आगे से कहने लगे लौकाना मिन किताबिक कि उस्ताद जी अगर आपके पास जो एक कापी लिखी हुई है हा हदीस की अगर उसको देख के आप बयान करें हैं जी यानी मतलब यह या है कि कहीं ऐसा ना हो कि सनद के अंदर कोई गलती हो जाए तो आप जो आपके पास लिखा हुआ है उसे देख कर लऊ का निन किताबिक अगर आप अपनी किताब से मुझे जो है ये हदीस जो है ये लिखाएँ तो कहते हैं कि फ़कुम तु ली आरोजा लि, लि किताबी कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ मैं मैं इरादा किया, किया कि मैं अपनी वो किताब ले के आऊँ जिसमें मैंने हदीसें लिखी हुई हैं कहते हैं मैं खड़ा हुआ फ़ाबाद आलिया सऊबी तो यह बिन मुईन ने मेरे कपड़े पकड़ लिए मेरे कपड़े को पकड़ लिया कहा कि आप बैठ जाएँ फ़काबाद आलिया सऊबी फिर फरमाया कि आप जो है वो बैठ जाएँ आप पढ़ें अमले का मतलब होता है आप इमला करवाएँ इमला का मतलब क्या होता है मुझे राइटिंग करवाएँ यानी मुझे आप ये सनद बयान करें हदीस लिखवाएं आप ना जाएं आप बैठ जाएं तो मैं ये लिखता हूँ क्यों फ़ इन्नी आखाफ अल्लाका कहीं ऐसा ना हो कि आप किताब लेने के लिए जाएं वहाँ टाइम लग जाए और उस टाइम में मेरी मौत आ जाए या आपको कुछ हो जाए हमारी आपस में मुलाकात ही ना हो सके यानी चंद लम्हों की बात है तो जब उनको पता चल गया कि ये हदीस इनके पास मौजूद है तो पहले उन्होंने कहा जी अपनी किताब से लिखवाएं और जब उन्होंने कहा वो अपनी किताब लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप रहने दें किताब आप मुझे वैसे ही लिखवा दें क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हदीस जो है इसके सुनने के शरफ़ से मैं महरूम रह जाऊँ ये उनका शौक़ था ये उनका शौक़ था आज हम हमारा जो है वो ये शौक़ नहीं है अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की जाती हैं तो हमारे पास बेशुमार ऐसी मसरूफ़ियात होती हैं हैं जी उनमें हम जो है वो ज़्यादा उनको फ़ोकियत देते हैं बजाय इसके कि हदीस की मजलस में बैठा जाए नबी अक्रम सुम की बातें सुनी जाएँ हज़रत यह मोइन कहने लगे कि अल्लाह अल्ला का हो सकता है कि मेरी आपसे मुलाकात ना हो तो इसलिए आप जो है वो मुझे आप बयान करें तो हज़रत मोहम्मद इबन कहते हैं तो हू ही तो फिर मैंने उनको ये सनद भी बयान की और हदीस भी बयान की और उन्होंने इसको लिख लिया सुम अखरज तो किताबी फ़करा तो ही फिर मैं अपनी किताब भी लेके आया फिर दोबारा मैंने वो हदीस बयान की फिर मैंने दोबारा हदीस बयान की तो बहरहाल उन लोगों का हाफ़ा बड़ा मज़बूत था यानी उनकी मेमोरी जो थी उनकी यादाश्त जो थी वो बड़ी मज़बूत थी एक जो मुहदस थे हो सकता है उनको जो हदीस इमाम बुखारी रमतल को छः लाख हदीसें ज़बानी याद थी तो ये नहीं बल्कि सनद के साथ सनद के साथ तो ये उनके हाफजे थे और उनकी क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोना और उनकी मेहनत आज भी मैं खुद एक नौजवान को मिला हूँ मदीने के अंदर उसको सिया पूरी ज़बानी याद है सयाह से मुराद क्या है बुखारी उसको याद है मुस्लिम उसको याद है सुन नबूद अबूद उसको याद है सुन इबिन माजा उसको याद है निसाई उसको याद है तिरमजी उसको याद है यानी ये हदीस की ये छः किताबें उसको ज़बानी याद हैं कुरान के हाफज तो आपने माशा सुने हैं ना देखे हैं ना माँ कुरान के हाफज़ यहाँ हमारी मस्जिद में माशाला शेख साहब का बेटा सलमान है ये रहीम है ये बच्चे जो है ये कुरान के हाफज इब्राहिम है वो माशा कासिम है ये दूसरा उनका भाई जो है माशाल्लाह ये कुरान के हाफज तो आपने माशाल्लाह बड़े देखे हैं लेकिन हदीस के हाफ़ज़ इस दौर में भी ऐसे मौजूद हैं कि सियासत पूरी उसको जुबानी याद है आप उसको कहें और वो ऐसे जैसे कंप्यूटर को आपने आन कर दिया तो वो जो मुहदसिन थे उनका हमसे करोड़ों दर्जे हाफ्ता ज़्यादा बेहतर था तो यानी यह बिन मोइन ने ये बर्दाश्त ही नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किताब लेने के लिए जाएँ और मौत तो अचानक भी आ सकती है और मैं इस हदीस सुनने के शरब से महरूम रह जाऊँ इतना लंबा मैं ट्रैवल करके आऊँ सफ़र करके आऊँ तो पहले उन्होंने हदीस सुनी फिर उन्होंने दोबारा अपनी किताब से पढ़ के उनको हदीस सुनाई और उन्होंने अपने पास तहरीर की और यही मुहदसिन का तरीका था सहाबाक राम रिजवानल मजमाइन के टाइम से लेकर नबी अक्रम स यहाँ उन्होंने अपना पेन रखा होता था नबी अक्रमली वसम जो फरमाते उसको लिख लेते जो फरमाते आज लोग सबसे बड़ा हदीस के ऊपर इतराज़ ये कहते हैं ये दो सौ साल बाद में लिखी गई हैं नहीं दो सौ साल बाद नहीं लिखी गई अल्लाह के नबी के टाइम में लिखी गई हैं अल्लाह के नबी के सहाबा ने लिखी हैं हज़रत अब्दुल्ल्या इबन अब्बास हज़रत अब्दुल्ल इबन मसूद हज़रत अब्दुल्ल इबन उमर यानी हज़रत अब्दुल् अब्दुल्लब इबन जाबर कितने सहाब्याए महदसिन हज़रत आयशा रजी अल्लाह तिन्हों ने हदीसें लिखीं और उनकी हदीसें जो हैं वो हम तक पहुँची हैं तो ये शुरू से ये तरीक़ा चला रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तो वो जो अल्लाह के नबी वसम फरमाते वो लिख लेते जो फरमाते लिख लेते तो एक आदमी कहने लगा जी आप अजीब आदमी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कभी गु़स्से में होती है कभी आप खुशी की मूड में होते हैं कभी गु़स्से के मूड में होते हैं जो आप कहते हैं वही लिख लेते हो तो उसने लिखना बंद कर दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिक क्या हुआ तुम लिखते क्यों नहीं हो तो वो कहने लगा जी इस तरह लोगों ने मुझे कहा है कि आप जो है हर बात लिख लेते हो तो नबी अकरम वसल्लम ने फरमाया ओ कुतुब फी बेदही अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया लिखो राइट करो उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में, में मेरी जान है इस ज़बान से हक़ के अलावा कोई बात नहीं निकलती चाहे गुस्सा हो चाहे खुशी हो हक ही निकलेगा इसलिए कि मातिको अनिल वाहू नबी अक्रमल्लम की ज़बान से निकलने वाली हर बात अल्लाह की वही होती ठीक है अच्छा अब इस हदीस में ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ लाए तो आपने जो चादर आपने कंधों पे ओढ़ी हुई थी जो चादर आपने ऊपर ली हुई थी वो उसको कितरी कहते हैं और कितरी जो है उस चादर को कहा जाता है जो यमन में बनती है और यमन उस वक़्त जिस तरह होता है ना काटन में कुछ लोग कुछ मुलक जो होते हैं बड़े मारूफ होते हैं ठीक है ना आज कल हमारा बंग्लादेश जो है वो आप देखें तो ये कपड़े वगैरह जो है इनमें बहुत आगे गुजर गया है हाँ जी किसी भी स्टोर में चले जाएं तो मेड इन बांग्लादेश आपको नजर आएगा तो इसी तरह आ, वो जो यमन था उस वक़्त उसमें बड़े खूबसूरत कपड़े बनते थे तो किसी ने नबी वसल्लम को वो गिफ्ट की वो चादर तो वो उसका नाम था कितवरी और उसमें वो लाइनें बनी हुई थी और लाइनें मुख्तलिफ यानी काले और सफ़ेद रंग की सफ़ेद और रेड कलर की इस तरह की लाइनें थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे डाली हुई थी और ये जो चादर थी ये कॉटन से भी बनती थी और इसमें जो है वो बाल भी ये जो इस्तेमाल जानवरों के बाल होते हैं वूल जो होती है ये भी इस्तेमाल होती थी तो इस तरह ये चादर जो है ये बनाई जाती थी तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे वो डाली हुई थी और इसी कैफियत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज़ पढ़ाई आगे जो हदीस है सिक्सटी नंबर काला इमाम तिरमी फरमाते हैं हदसना सवैद अबनसरीन क़ाल हदस अब्दुल्लबिनमारक अब्दुल्ल ब मुबारक का आपने नाम बहुत सुना है ये बहुत नेक बहुत नेक इंसान थे बहुत बड़े मुहदस थे और तकरीब जितने मुहदसिन हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं हदीस की सारे इनके शगिदों में आते हैं इमाम तरनरी फ़रमाते हैं कि हमें हदीस बयान की सवैद सुव... बबन नसर ने वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अब्दुल्ल अबिनमारक ने और वो सईद बिन अयासलैरी से बयान करते हैं और सईद बिन अयासुराइरी अबी नदरा से अबी नदरा जो हैं ये ताबी हैं वो हज़रत अबू सईद सईदलरी से बयान करते हैं कल कान रसूल अल्ला सल्ल वसम वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् की रूटीन ये थी आपका अमल ये था आपका तरीका ये था इज़्ज़त जद्द सऊबन समब इसमें जब अल्लाह के वसल्लम कोई नया कपड़ा पहनते न्यू क्लोथ वेयर करते नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेके अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फिर एक दुआ मांगा करते यानी नाम लेके क्या मुराद है अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमामा मुबारक जो है पगड़ी मुबारक नहीं आती तो पगड़ी का नाम लेते कमीज़ नहीं आती तो कमीज़ का नाम लेते अगर आप ऊपर चादर जो है वो नहीं आती तो उसका नाम लेते यानी कमीज़ होती तो कमीज़ का नाम लेते इमामा होता इमामा का नाम लेते चादर होती तो उसका नाम लेते और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते और वो दुआ जो है हदीस में आता है आते अल्लाहमद कम ती अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए और तारीफ़ों से मुराद अल्लाह की तारीफ़ भी है अल्लाह की बुजुर्गी भी है और अल्लाह का शुक्र भी है अल्लाह मलक हमदू अल्लाह तेरा शुक्र भी है तेरी तारीफ भी है क्यों कि अल्लाह कमा कसऊ ती ही जिस तरह ये नया कपड़ा तूने मुझे अता किया है और मुझे पहनाया है ये नया कपड़ा मुझे पहनाया है अगर अल्लाह तू ना देता अगर तू ना मुझे पहनाता तो मैं कैसे पहन सकता था कसऊ ती ही अल्लाह तूने मुझे पहनाया है अस का अल्लाह इस कपड़े के अंदर जो खैर है मैं तुझे तेरे हजूर दुआ करता हूँ अल्तजा करता हूँ अल्लाह मुझे वो अता फरमा असअलू का ख़ैरा व खैरा मासुनी और जिस मकसद के लिए इस कपड़े को बनाया गया है वो खैर अता फरमा व आऊजुबी का मिन शर्र ही और अल्लाह इसमें जो शर है जो इसमें नुकसान है अल्लाह उससे मैं तेरी पनाह मांगता हूँ व शर्र मासुनी और जिस आ, यानी शर के लिए या जिस नुकसान के लिए इसे बनाया गया है उससे मैं तेरी पनाह मांगता हूँ यानी एक तो अल्लाह का शुक्र अदा हो गया और एक उस कपड़े के अंदर यानी एक कपड़ा इंसान पहनता है हैं जी ये बच्चे जिन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं कैसे अपने दोस्तों को दिखा रहे होते हैं दिखाते हैं ना ये भी एक फितना है ये भी एक क्या कहते हैं शोबाजी जो होती है ना ये भी रियाकारी है लोगों को दिखाने वाली तो ये उसकी ए, क्या कह लें कि उसका ये मनफी पहलू है कपड़े का यानी उसका जो है आप समझ लें कि शुक्र तो अल्लाह की जात का अदा करना चाहिए था अब वो लोगों के सामने शौखियाँ दिखा रहा है लोगों के सामने बता रहा है कि देखो मैंने ये कपड़ा पहना है मैंने ये जूते पहने मैंने ये फलान चीज़ पहनी है जो किसी और के पास नहीं है ये इतने यानी सौ पाउंड की है ये इतनी महंगी है तो एक तो इंसान जो है अल्लाह की तारीफ करता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है उस कपड़े पे जो अल्लाह ताला ने उसको पहनने के लिए दिया है और दूसरा अगर उसके अंदर कोई अल्लाह की मासीत आती है कोई नाफरमानी आती है उससे बंदा अपने आप को महफूज कर लेता है सेव कर लेता है तो ये दुआ याद करनी चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अल्लाह मकहमद कमाकसूतनी ही अल्लाह तेरे लिए तरीफ़ें अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ये नया कपड़ा मुझे दिया है जो भी नया कपड़ा होता अल्लाह के नबी वम उसका नाम लेके कहते और अल्लाह इसके अंदर जो खैर है वो मैं तुझसे मांगता हूँ और जो इसके अंदर शर है अल्लाह उससे मैं तुझे पना मांगता हूँ और हद, आगे जो सिक्सटी वन नंबर हदीस है, हदसना हिशाम यूसर यूनस है बिन हदसना हिश्याम बबनसूनसकूफ़ी इमाम तिरमती फ़रमाते हैं कि ह्याम बिन यूनसल्कूफ़ी बयान ने हमें हदीस बयान की और वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की कासिब बिन मालिक अल मुज़नी ने और वो जुरैरी से बयान करते हैं और वो अभी नदरा से और वो अभी सईद अल खुदरी से यानी ये चैन जो है ये सनद जो है ये दूसरी सनद है लेकिन हदीस सेम है और आपको मैंने बताया एक होता ही है सनद और एक होता है मतन मतन जो अल्लाह के नबी वसल्लम की स्पीच होती है जो अल्लाह के नबी की बात होती है जो अल्लाह के नबी के वर्ड्स होते हैं जो अल्लाह के नबी के कलिमात होते हैं उसको हम कहते हैं मतन और जो चैन होता है यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने सुना सबी से किस ताबी ने सुना उस ताबी से आगे तबा ताबी ने सुना उस तबा ताबी से किस मुहदस ने सुना और आगे किस मुहदत ने अपनी किताब में उसको लिखा ये चैन होती है ठीक है ना दो चीज़ें होती तो हदीस का मतन एक ही है लेकिन इसकी जो सिलसिला है इसकी जो चेन है ये मुख्तलफ़ है तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हमारे सामने आया और इसी तरह सुनो नबी दाऊद में हजरत मुआज़ ने जबल रज़ी अल्लाह तु की रिवायत है हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्ला है कि जब भी नबी अक्रम कोई नया कपड़ा पहनते तो अल्लाह से दुआ करते कि अलहमदल्ल् लजी व ऱा का नी ही मिन गई मिन गईर होन वला तरीफ़ें अल्लाह के लिए अल्लाह ने कसानी हाजा अल्लाह ने ये मुझे पहनाया है अल्लाह ने मुझे पहनाया है व रज़ा का नी ही और अल्लाह ने मुझे अता किया है अल्लाह का गिफ्ट है अल्लाह ने मुझे दिया है मन गईर होलिन वला इसमें मेरा कोई कमाल नहीं मेरी कोई ताकत नहीं मेरे पास कोई जो है वो क्या कहते हैं मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको ले लेता अगर अल्लाह ताला मुझे अता ना करता तो ये अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है और इस सिलसिले में अल्लाह पाक फरमाते हैं लिबासुआ रि सऊआति कुम वरीशा व लिबास का खैर कि हमने तुम्हारा लिबास नाजल किया है और लिबास दो तरह के होते हैं एक जिसमानी लिबास होता है जिसके साथ अपनी बाडी को कवर करते हैं हैं जी लिबास युवा रि सऊआआति वरीशा और जिसके साथ हम एक तो बॉडी को कवर करते हैं और एक हमारे लिए ये ख़ूबसूरती का भी बायस होता है और दूसरा लिबास जो है वो लिबास तकवा है ये जो जहरी लिबास है जिससे हम बॉडी कवर करते हैं ये जहरी लिबास है जिसको हम देखते हैं जो तकवे का लिबास है ये जिसम का लिबास है जो जहरी तौर पे हम पहने हुए हैं अब मेरे सारे भाइयों ने जो लिबास पहना हुआ है ना हमारे शेख साहब ने माशाल्लाह खूबसूरत सौ पहना हुआ है ऊपर बेहतरीन शमाग लिया हुआ है तो ये लिबास जो है ये जहरी लिबास है ये जहरी लिबास है लेकिन एक लिबास जो है वो बातनी लिबास है उसको कहते हैं लिबास तकवा तो अल्लाह ताला ने ये दोनों लिबास नाजल किए हैं ये जहरी लिबास भी अल्लाह ने दिया है और तकवे का लिबास भी अल्लाह पाक अता करने वाला है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये दोनों लिबास हमने तुम्हारे लिए नाजल किए हैं एक तुम्हारी रूह का लिबास है एक तुम्हारे जिसम का लिबास है तो तकवा जो है ये हमारी रूह का लिबास रूह है ना तकवा और तकवा जो है ये रूह का लिबास है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस कुदसी है बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी होगी बारह मरतबा के अल्लाह पाक ने अरशाद फरमाया इबादी कुल्लुकुम जायन ए मेरे बंदो तुम सारे के सारे भूखे हो स्वावय उसके जिसको मैंने खाना खिलाया तुम सारे के सारे नंगे हो स्वावय उसके जिसको मन कसऊत हो जिसको मैंने कपड़े पहनाए तो ये अल्लाह पाक जो है वो लिबास देने वाला है अल्लाह पाक कपड़े पहनाने वाला है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े होते हुए भी वो नंगे होते हैं हैं जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सी बदनसीब औरतें ऐसी होती हैं हुन न लाब सातुन आरियातन उन्होंने कपड़े पहने होते हैं लेकिन नंगी होती हैं जिसम उनका नजर आ रहा होता है हैं जी जो जिसम का अल्लाह ताला ने जो जिसम बनाया है वो जिसम का एक एक पार्ट उनका जो है वो और ज़्यादा फितने का बायस मर रहा होता है लाभ सात उन वो अपने तौर पे कहती है कि हमने लिबास पहना हुआ है लेकिन वो लिबास नहीं होता तो इसलिए अल्लाह से वो लिबास मांगना चाहिए जो हमारी शर्मों को भी शर्मों को भी जो है वो कवर कर ले हमारे हमारे जिस्म को भी कवर कर ले और हमारे लिए ख़ूबसूरत भी हो और अल्लाह भी उससे राज़ी हो लाँ। तो अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने यह बात अरशाद फ़रमाई कि अल्हमदल्लाज़ी का सानी हाजा व का नी ही मिन ग हाउलिन वाला कुआ और फरमाया जब बंदा कोई लिबास पहनता है और ये दुआ कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुना माफ़ कर देते वो फिर अल्लादमिन जम्भे जितने पिछले गुना हैं सारे अल्लाह पाक माफ़ कर देते अल्ला अकबर देखें मोमन के साथ अल्लाह का कितना रहमत का मामला है तो अल्लाह के नबी सली वसम ने यह हदीस बयान की अच्छा इसी तरीके से नबी अक्रम सम के जो सब है फ़काना साहबुन सल्ला वम सौबन जदीदन तुबली व व्यू तआला जब कोई बंदा नया कपड़ा पहनता सहाबा कर राम रिजवानल जैसे हमें होते हैं ना एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं हैं जी किसी को खुशी की कुछ चीज़ मिल जाए तो हम कहते हैं किसी ने गाड़ी खरीद ली किसी को अच्छी जाब मिल गई बच्चा हुआ शादी हुई या कोई भी मामला तो हम उसको जो है मुबारकबाद देते हैं जी तो इस तरह सहाबाक राम रजवानल आजमाइन का तरीका ये था कि जब कोई नया कपड़ा पहनता तो उसको एक मुबारकबाद देते उसके लिए दुआ करते और वह दुआ क्या होती वो दुआ ये होती कि तुबली अल्लाह तुझे आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे कि ये नया लिबास जो पहना है ना तूने तो इसको पूरा इस्तेमाल करे और ये इतना इस्तेमाल करे हती कि ये पुराना हो जाए तबली का मतलब वसीदा हो जाए पुराना हो जाए और अल्लाह पाक जो है वह यु खलीफुल्लु तिर अल्लाह तुझे और लिबास अता फरमाए, तो ये सहाबा कराम का तरीका था जब कोई नया लिबास पहनता तो उसको ये दुआया या कहते तो नबी अक्रम सल्ला वसलम एक मरतबा हदीस में आता है ये श, आ, शरा के अंदर ये चीज़ें हैं ये इमाम तिरमजी रमत ने ने ला तभी बयान की हज़रत सईद बिन आस रज़ी अल्लाह त आनू की एक अजीज़ा थी उनका नाम था उम्म खालत वो बयान करती हैं कि उतिया रसूल सल वसम अब सिया बिन फ़िया खमीसत सऊदा अल्लाह के नबी सल्ला के पास एक चादर लाई गई चादर लाई गई सऊदा ब्लैक कलर की खमीसा कहते हैं अब्दुल खमीसा आता है ना चादर का बंदा अब्दुल अब्दुल दीनार इस तरह अब्दुल खमीसा कपड़ों का गुलाम कपड़ों का बंदा तो ये खमीसा से मुराद यहाँ चादर है तो एक चादर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई कल मन तरा नानक सूह हाजिल ख़मीसा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा क्या ख़्याल है कि ये किसको दें चादर किसको दी जाए अल्लाह फा उसकी तल क़ो सारे लोग खामोश हो गए अब हारे की ख्वाहिश होगी कि ये चादर मुझे मिले क्योंकि अल्लाह के नबी सल वल्म से कुछ चीज़ का मिल जाना ये बड़े नसीबे की बात थी तो हर एक बंदे की ख्वाहिश ये थी सारे खामोश हो गए काला इतू ने भी तो उम ख़ाल दिन तो ये उम खालद जो इस हदीस की रावियाँ हैं नबी अक्रम सल्ला व्लम ने फरमाया उम खालद को बुलाओ तो उम खालद को बुलाया गया फरमाया फ़ा अलबसा तो अल्लाह के नबी वम ने वो चादर उम खालद को दे दी और फरमाया अबली वीफ़ी कि उम्म खालद अल्लाह तुझे इस चादर को जो है इस्तेमाल करना नसीब करे इतना तू इस्तेमाल करे कि ये चादर हत्या कि पुरानी हो जाए अब ली इसको तू बुसीदा कर दे इस्तेमाल करे यानी आफियत, ज़िंदगी होगी तो जब बंदा कपड़े पहनेगा ना तो इसमें ज़िंदगी की सेहत की आफियत की जो है वो दुआ थी अब ली वली वखलिफ़ी और अल्लाह जो है इसके बाद तुझे और ज़्यादा फिर दोबारा तुम्हें अल्लाह पाक जो है वो कपड़े ऐरमाए तो ये अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का तरीक़ार था अच्छा अब अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम हज़रत अनस फरमाते हैं अनुआबिन आनासिन अन् रसूल सल्लामन आकल तमाम फ़काल नबी अकरम सल व्म ने फ़रमाया अगर कोई बंदा खाना खाए तो खाना खाने के बाद ये दुआ पड़े अलहमदिल्लाजी अत हाजा तरीफ़ें किसके लिए उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया व रज़ा का नी ही मिन गी वाला कुआ और ये अल्लाह की रहमत है करम है ब्लैसिंग है जो उसने मुझे ये खाना दिया वह गरना मेरे पास पावर नहीं थी कि ये मैं खाना खा सकता ये मैं खाना खा सकता और वल्ला ही हमने लोगों को देखा है कि अलहदुल्ला उनके पास इतना दुनिया का माल है लेकिन बेचारे खा नहीं सकते कभी आपकी नज़र से कभी कोई ऐसा बंदा गुज़रा है यानी बेशुमार माल है दुनिया का लेकिन वो दुनिया में कोई चीज़ खा नहीं सकते उनके लिए खाना क्या है वो जो होती है ना ब्रेड उसको जो ना बिल्कुल हल्के से पानी के अंदर जो है वो उसको हल करके लिक्विड शक्ल में उसको पिला दो या लिक्विड शक्ल में कोई और चीज़ उसको दे दी जाए कोई जिसके अंदर जो है ये अनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इस तरह की कोई चीज़ उसको दे दी जाए तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह रिजक दे और तुम उस रिजक को खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अलहमदिल्लाजी अता मन हादा अल्लाह तेरे लिए तरीफ़ हैं कि तूने मुझे ये खिलाया व रज़ा का नहीं और मुझे इसका रिजक अता फरमाया मिन गईर हउलिन वाकूआवा मेरी इसमें कोई ताकत पावर नहीं है फरमाया अगर कोई बंदा ये खाना खाने के बाद दुआ मांगता है वो फिर मातकदम अमिन जम भी अल्लाह उसके पिछले सारे गुना माफ़ कर देता है अल्लाह राज़ी हो जाता है खुश हो जाता है और जब ये दुआ की जाए तो फिर अल्लाह ताला वो रज़ा का सिलसिला कभी कम होने देगा नहीं कम होने देगा और फरमाया इसी तरह वमानला भी साउबन जदीदा अगर कोई नया कपड़ा पहनता है तो वह भी ये दुआ करेगा अलहमद ला कसानी हाजा मिन गईर हौल मनी वाकू कदगोफिरल्ह अल्लाह उसके भी सारे पिछले गुना जो हैं वो मुआफ़ कर देते हैं अच्छा आगे जो है हदीस सिक्सटी टू नंबर काला हदसाना महम्मद अबन बश् महमद अबन बशाह इमाम तिर फरमाते हैं महमद इबन बश्ार ने बयान किया और वो बयान करते हैं कि हमें खबर दी मुआिबन हिशाम ने और वह कहते हैं मुझे हदीस बयान की मेरे वालद हशाम ने और वह कतादा से और कतादा ताबी हैं और वह हज़रत अनसिबिन मालिक से और अनसबिन माला कहते हैं कि का ना अहबसिया रसूल अल्लाह आल वसल् यबसबारा के नबी अक्रम सम को सबसे ज़्यादा प्यारे और पसंदीदा और जिसको आप लाइक करते थे पसंद फरमाते थे वो कौन से कपड़े थे अहीबारा अबारा अबारा से मुराद ऐसा कपड़ा कि जिसके अंदर लाइने हों मुख्त कलर की ब्लैक वाइट ब्लैक रेड रेड ब्लैक या रेड वाइट यानी इस तरह जो है वो कलर की लाइनें हों ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कपड़े बहुत ज़्यादा इसमें खूबसूरती भी होती थी और ये कपड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे और इसी तरह हदीस नंबर सिक्सटी थ्री काल हदसना महमूद उबन गई इमाम तरज फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की महमूद अबन ने वो कहते हैं कि हमें ख़बर दी अब्दुलरज़ाक ने अब्दुलरजाक कहते हैं हम बानासुफ़ियाँ हमें ख़बर दी सुफ़ियान ने और वो ओन इबन अबी जैफ़ा से बयान करते हैं और आउन अपने वालद अबू जैफा से बयान करते हैं कि रईत अबू ज़ा अल्लाह के नबी के पीछे भी यदि आई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे कहते हैं राइतन ननबी या सल्ला वसलम मैंने एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हमरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसम मुबारक के ऊपर रेड कलर का जुब्बा था रेड कलर ज़ुब्बा कहते हैं जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है हु जुब्बा था का अनुला बरी़ी सा ही और फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल... जुब्बा जो था ना आपने पहना हुआ था और अल्लाह के नबी नबीस सल की ये जो पिंडलियाँ हैं हैं जी ये आपके जो घुटनों के ऊपर और आपके टखनों के दरमियान और घुटनों के नीचे ये जो हिस्सा है ये मुझे नज़र आ रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं का अन्य अनदुरु इला बरी़ी सा ही बरी़ कहते हैं बरक़ जिस तरह ये बिजली की चमक होती है बिजली जिस तरह रोशन होती है अल्लाह के नबी का पूरा जिस्म रोशन था मुनवर था आपका चेहरा भी मुनवर आपके जिस्म मुबारक भी मुनवर तो वो कहते हैं कि वो जो जुब्बा था हुल्ला जो आपने पहना हुआ था उससे मुझे आपकी पिंडलियाँ जो है नज़र आई यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो था वो पिंडलियों के दरम्यान था पिंडलियों के दरमियान था इसलिए पिंडलियाँ जो हैं वो नजर आई और मैंने पिंडलियों की चमक देखी मैंने उसकी चमक देखी बरीकी साकई ही मैंने उसकी चमक जिस तरह ये रोशनी होती है मैंने उसकी रोशनी देखी काला सूफियान उरा हीबार तो सुफियान कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो हिबारा कपड़ा था जिस तरह पीछे हम अध पड़ के आए ना और मैंने आपको बताया हिबारा किस कपड़े को कहते हैं जो जो लाइने वाला होता है लाइनों वाला होता है धारी दार होता है जिसमें मुख्तल कलर की लाइनें होती हैं।, हैं जी रेड ब्लैक हो गई वाइट और रेड हो गई वाइट और ब्लैक हो गई तो ये हिबारा था उसमें ब्लैक रंग भी था और उसमें ब्लैक रंग भी था और उसमें रेड कलर भी था ये अल्लाह के नबी सल्ह वसलम ने पहना हुआ था और ये अला के नबी वम को बहुत पसंद था अल्लाह के नबी सल व्लम इसको पसंद फरमाते थे आगे जो हदीस आज हम ये बाप मुकम्मल कर देते हैं सिक्सटी फ़ोर नंबर हदसनालीबनरम इमाम तिरजी फरमाते हैं हमें हदीस बयान की आली अब्नशरम ने वो बयान करते हैं कि हमें हदीस बयान की ईसी बिन यूनस ने और वो इसराइल से इसराइल अबी इसहाक से और वो अ के नबीसम बरा इबन आज़ब से हमर मिन रसूल सल अल्ह बरा इबन आज़ब रज़ी अल्लाह तु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के खूबसूरत इस कायनात में कोई नहीं देखा ब्यूटीफुल हसीन व जमील खूबसूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के मैंने किसी को कायनात में नहीं देखा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीसम फीतिन हमरा एक जुब्बे में तशरीफ़ लाए दारी दार हैं जी उसमें रेड कलर की लाइनें थी वो आपने पहना हुआ था उसमें आप तशरीफ़ लाए इज़ जुम्मत हु लता वरीबू मिन कबई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो है ये आपके कंधों के करीब पहुँचे हुए थे आपकी जुल्फ़ें ज़रा तसवर में लाएँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपके जिसमें मुबारक के ऊपर वो जुबा है और वो यानी धारीदार लकीर अपना लकीरदार और वो लाइन वाला जिसमें मुख्तलफ कलर की लाइनें हैं और अल्लाह के नबी वसल्लम की जुल्फें जो हैं वो आपके कंधों के आ, आ, बराबर हैं और साहबी वो मंज़र को बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि उस जैसा नबी अलैहि वसल्लम को जब मैंने देखा तो उस जैसा मैंने कायनात में कोई दूसरा खूबसूरत नहीं देखा और आप जो है वो खुशकस्मत हैं कि अल्लाह के नबीस का यही मंर आप सामने बयान किया जा रहा है आप अपने तसवर में हैं जी अपने तसवर की आँख में तसवर की सोच में तसवर के फ़िक्र में आप अपने आप को वहाँ ले जाएँ और फिर आपके सामने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुलिया बयान किया जा रहा है कितने खूबसूरत हैं आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्लाह अकबर यह हदीसें आप सुन रहे हैं और यही इंशाल्लाह हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से तो नहीं देखा हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ा है आपका तस्करा पढ़ा है कुरान जो है वो मेरे नबी का अख्लाक है हदीसें जो हैं ये मेरे नबी का करदार है और इंशाल्लाह अल्लाह के नबी से मुलाकात होगी हौज़े कौसर पर और अल्लाह के नबी का साथ मिलेगा जन्नत के अंदर इनशाला इसके लिए ये है कि अल्लाह के नबी सल्ला व्लम के साथ ज़रा थोड़ा सा तल्लक तो बंदा जाहिर करे बताए तो सही कि मैं आपका उम्मती हूँ हैं जी अल्लाह अल्लाकबा आगे जो हदीस है कॉले हदसना मोहम्मद अबन बशर इनकाल हदसना अब्दरहन बिन महदी इमाम तिरदी फ़रमाते हैं कि हमें हदीस बयान की मोहम्मद इबन बशार ने और वो कहते हैं हमें हदीस बयान की अब्दुल इबन महदी ने कल हदसा उबैदल इब्न अयाद वो कहते हैं हमें हदीस बयान की उबैदिल्ल इबिन अयाद ने और अपने वालद इबिन अयाद से बयान करते हैं और वो अभी रिमसा ये भी पहले सबियाइन सी हदीसें हमने पहले पढ़ी हैं कल राइतन ननबी या सल्ला वसलम बुरदान अखदारानी वो फ़रमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्ह वसम को देखा और आपके ऊपर ग्रीन कलर की अखदारान कहते हैं सबज कलर को ग्रीन कलर की दो चादरें थी और मुहदसिन बयान फरमाते हैं कि यानी मुकम्मल ग्रीन नहीं थी उनमें भी ये जो है वो लाइनें थी ग्रीन कलर की लाइनें थी अखदरा अखदारा लम यकुन बरदा लेन नलबरूदा इन्ना मातकून मखत्ता था वो कहते हैं इसलिए कि जब हम चादर कहते हैं जो ऊपर ली जाती है तो उसमें खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन कलरों में से एक कलर ग्रीन भी था ठीक है तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पहनी हुई थी दो सबज़ रंग की चादरें आगे जो इस बाब की हदीस है आ, मेरा ख्याल नहीं ज्यादा हो जाएगा हदीसें आगे हैं तो फिर जो है ना आपका टाइम जो है ना हम ख़त्म करते हैं ताला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो अहदीस हमने सुनी है इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के मतलक़ कि रसूल वसम कैसा लिबास पहनते थे कैसा लिबास जेब तन करते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसम अकबर हमारा ईमान ये है हैज़रत आयशा रजी अल्लाह तह फरमाया करती थी कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ़ का हसन देखा था हैजरत यूसुफ़ का हसन देखा था फ़क़त्ता अना या तो उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे यानी यूसुफ को सामने देखा वो कहने लगी मा हाजा बशरा ये तो बशर नहीं है ये तो इंसान नहीं है इन हाजा इल्ला मलकुन करीम ये तो कोई फरिश्ता लगता है बड़ी इज़्ज़त वाला इंसान तो इतना खूबसूरत हो नहीं सकता फ़कत्ता ना इदिया उन्ना उन्होंने अपने हाथ काट लिए तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह त फरमाया करती थी अगर उन्होंने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा होता तो उनके कलेजे फट जाते वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की ताब कैसे ला सकती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम के हसन व जमाल का आपके लिबास का आपके बालों का ये सारा तस्करा हम अलहमदल शमायलबी की किताब में जो है पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक नबी नबी अक्रमलल के साथ बेानतहा मोहब्बत अता फरमाए आपकी इतबा और आपकी इताद की तोफ़ी अता फरमाए आपका सच्चा पक्का मुखलस क्लियर कट जो है उम्मती बनाए जजाकल्ल खैरन बबारक